उन्हीं का जमीन, उन्हीं का सब कुछ होने के बाद भी अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। तो सरकार लगातार मतलब लोगों को अंधा बनाने का काम कर रहे हैं और जंगल से विस्थापन करने की काम कर रहे हैं। जसपुर में जाएंगे तो वही हालात है, राजनांदगांव में जाएंगे तो वही हालात है, और जहां हम बैठे हैं रायगढ़ में वही वहां भी वही हालात है। खनिज संपदा के लूट के लिए आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, बंद करो, बंद करो। खनिज संपदा के लूट के लिए आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, बंद करो। मैं भान साहू आदिवासियों के बीच में मुंगरा बांध में प्रभावित हूँ। छत्तीसगढ़ में बांध और कंपनियों के नाम से लोग विस्थापित हो रहे हैं। मैं आदिवासियों के बीच में रहती हूं और आदिवासियों के बीच में मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। 5 साल पहले मोगरा बांध बना है जिसमें लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस मुद्दों को लेकर के रायगढ़ में 5 जून को एक रैली और आम सभा का आयोजन हुआ। इस रैली में मैं भी भाग ली और आदिवासी समुदाय की समस्या पर अपनी बात रखी। पहाड़ के ऊपर से लेके पहाड़ के नीचे तक कई जगहों में कंपनियों के द्वारा भू अर्जन, भू अधिग्रहण और लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण होता रहा है, लोगों का शोषण होता रहा है। और जितने ने भी इसके लिए आवाज उठाई, यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया है, FIR दर्ज किया गया है। यह कह करके कि वे लोगों को उकसाते हैं, पुलिस के काम में दखल देते हैं, उन पर बाधा डालते हैं, कंपनी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सरकार विरोधी लोग हैं। अरे क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत का विकास नहीं चाहते हैं? भारत का विकास हम जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं जहाँ पर मुझे खुद अपने घर से जबरदस्त बेदखल कर दिया जाए। 30 दिसंबर 2008 को हमारे ग्राम उसपिंडा में प्रस्तावित स्थल में जन सुनवाई का आयोजन रखा गया था। तो जन सुनवाई में 100% जनताओं का विरोध हुआ, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन पर्यावरण अधिकारी के मिलीभगत से जन सुनवाई को पास करके वहां पर पावर प्लांट लगाया जा रहा था। जब पावर प्लांट का विस्तार शुरू हुआ, हमारे गांव के महिलाएं में जागरूकता पैदा हुई और सभी महिलाएं एकत्रित होकर के उसका विरोध स्वरूप जाकर के वहां पे पूरे क्रियाकलाप को व्यवधान उत्पन्न किए। ये गांधीवादी सरकार जो महात्मा गांधी को सामने रख के जय बुला के और उसके सिद्धांतों की दुहाई दे करके जनता का विरोध, पब्लिक हित के विरोध में काम कर रही है, हम लोगों को उसको लाइन में लाना पड़ेगा। क्योंकि यदि सरकार स्वयं अत्याचार करे, प्रशासन यदि अत्याचार करे, तो इसका निराकरण क्या हो सकता है? गांधी के इस अहिंसावादी राष्ट्र में हम लोगों को हिंसक हो जाना चाहिए? बंदूक और गोली लेकर के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिसको शासन को चाहिए सजा देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, यदि वो कार्रवाई न कर रही हो तो क्या कार्रवाई हम लोगों को करना चाहिए? किसान मजदूर आंदोलन में पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रमन सरकार का उद्योगपतियों से साठगांठ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस रैली एवं सभा में भाग लिया वो काफी हद तक सफल रहा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से इन मुद्दों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। सरकार के ऊपर काफी दबाव भी पड़ा और अपनी बात रखने में भी मैं कामयाबी हुई। छत्तीसगढ़ के स्थिति बहुत खराब है, इसलिए पूरे जिस मुद्दे से जुड़े हैं लोग, सारे लोग इकट्ठा हुए, ये खुशी की बात है। छत्तीसगढ़, मैं भान साहू, रायगढ़, इंडिया के लिए।